नमस्कार दोस्तों, सिंपल वे बिलिंग सिस्टम फॉर सुपरमार्केट या ग्रोसरी वगैरह बिजनेस के लिए, जो ग्रोसरी में आपको बहुत सारे आइटम्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, पैकेड आइटम्स होते हैं, बारकोड आइटम्स होते हैं, सब कुछ होती है। मैं एक बार बिलिंग करके आपको वेरी सिंपल वे में दिखा देते हैं आपको। जैसे आपको जो बारकोड जो प्रोडक्ट्स है उसका देखो सीधा सीधा स्कैन कर देना दोस्तों। देखो बारकोड जो भी प्रोडक्ट्स को आती है उसको सीधा स्कैन करके आपने सेल कर सकता है। और ये जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स सीधे इसके ऊपर रखिए दोस्तों। ये जो है आपने सर्च करके भी कर सकता है, जो कोड नंबर डाल के भी कर सकते हैं 0038। जो बनाना जो है आपको इधर दिखाई देती है, देखो ऑटोमेटिकली बनाना कितना केजी है, मतलब एक केजी के हिसाब से ऑटोमेटिकली प्राइस कैलकुलेट होती है जी उसमें। और बनाना का हमने कर दिया, फॉर एग्जांपल इसके कैरेट को करना है, कैरेट का भी कोड नंबर क्या है 0041, एंटर मारिए दोस्तों। ऑटोमेटिकली उसका वजन कितना है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाती है दोस्तों। और फॉर एग्जांपल कस्टमर को ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए अपना टोमाटो, टोमाटो का कोड नंबर क्या है 0040, एंटर मारे दोस्तों। ऑटोमेटिकली वजन के हिसाब से कैलकुलेट होती है। और कोड नंबर डाल के भी आपने कर सकता है, सर्च करके भी कर सकता है। कोड हर एक वेजिटेबल के एक एक नंबर देने से नहीं ईजी होते हैं आपको, समझ लीजिए आपको कोड नंबर नहीं हो पाए आपसे तो आपको फॉर एग्जाम्पल भिंडी तो आपने इस तरीके से सेलेक्ट भी कर सकता है। देखिए तो ऑटोमेटिकली वो आ जाती है दोस्तों, ऐड टू कार्ट कर देना, ये क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब भिंडी ऑटोमेटिकली नीचे आया हुआ ना दोस्तों, देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका मतलब वेइंग सिस्टम कर सकता है जो रेंडर POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। उसके बीच में कोई फॉर एग्जाम्पल आपका जो बारकोड वाला प्रोडक्ट आया, सीधा इसको आपने बारकोड उठाइए और स्कैन करिए दोस्तों, वो भी आ जाती है। तो इस तरीके से आसान वे में आपको बिलिंग करने के लिए एक सिस्टम है दोस्तों रेंडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। उसके बाद आपने सीधा सेव एंड प्रिंट बटन दबाइए, देखिए कैश डोर ओपन होगा, देखिए दोस्तों बिल भी आ गया दोस्तों, देखिए बिल भी आया हुआ है, कैश डोर आया हुआ है। आप इसमें देख सकता है जो जितना भी प्रोडक्ट है वो KG, फॉर एग्जाम्पल वन केजी का जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, जो 1 KG का जो प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपीज़, तो फॉर एग्जांपल 200 ग्राम लिया उसी के हिसाब से वो कैलकुलेट होकर आती है। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो देखो पैक्ड आइटम जो है ना, जो बारकोड से स्कैन किया था उसका प्राइस जो है 225 है, 1 पीस लिया 225 टोटल बिल आया है। लेकिन आपने बनाना का प्राइस देखिए, देखो 60 रुपीज़ से पर KG का प्राइस, 0.27 KG है, ठीक है जी, तो 16 रुपये 50 पैसे आया हुआ सिर्फ, देखिए आपने तो मतलब ऑटोमेटिकली जो केजी है ना जी, केजी के हिसाब से कैलकुलेट होती है ऑटोमेटिकली। ये सिस्टम लगाया हुआ जी रेंटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। और फाइनली मैंने इसका प्राइस भी बोलता हूँ दोस्तों, ये जो वेइंग मशीन है ट्रेडिशनल वेइंग मशीन के हिसाब से, जो बारकोड वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए जी, डायरेक्टली आपको मतलब जो भी वजन उधर रखेंगे डायरेक्टली उधर आपको वेट मिल जाती है। तो ये जो वेइंग मशीन का प्राइस है जो दोस्तों आपको 4500 से लेकर के 4800 के अंदर मिल जाती है, यानी इसको डायरेक्टली आपने USB केबल के माध्यम से कंप्यूटर पर कनेक्ट कर सकता है। और ये जो प्रिंटर है आपको 80mm AutoCAD थर्मल प्रिंटर दोस्तों, बहुत अच्छा प्रिंटर है, मतलब Evercom का प्रिंटर है। और ये जो प्रिंटर का क्वालिटी भी सुपर है, प्रिंटिंग का जो भी है, और ऑटोमेटिक कटिंग भी होती है पेपर 80mm का, और 3 इंच का जो पेज का जो विड्थ है, इसका प्राइस लगभग 5900 या 6000 रुपीज़ के अंदर अंदर आपको मिल जाती है। और स्कैनर आपने नॉर्मल स्कैनर भी ले सकता है या एक्सपेंसिव स्कैनर भी ले सकता है, नॉर्मल अपना जो गन वाला जो होता है ना जी वो भी ले सकता है, उसके 2500 रुपीज़ में आपको मिल जाती है। ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लगभग आपको 9500 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है। तो ये दोनों में यही फ़र्क है दोस्तों। और कैश ड्रॉयर आपको नियर अबाउट 3800 या 4000 रुपीज़ के अंदर आपको कैश ड्रॉयर भी मिल जाती है। और कंप्यूटर जो भी है आपका नॉर्मल कंप्यूटर, यानी विंडोज 8 या विंडोज 10 का जो भी नॉर्मल कंप्यूटर होती है वही यूज़ करिए आपने, ठीक है ना, ये आपने यूज़ कर सकता है। और रेंडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर है, बस गोल्ड एडिशन जो ले लीजिए दोस्तों, आपको बिंदास अपना क्या बोलते हैं ग्रोसरी या सुपरमार्केट का बिजनेस आराम से चला सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।